बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। हमास इसराइल मुआहिदा, तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का गजा में जंगबंदी का खैर मकदम। तुर्किया के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने हमास और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे के बाद गजा में जंगबंदी का खैर मकदम किया है। G20 इजलास से इजहार ख्याल करते हुए तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा कि उम्मीद है ये जंगबंदी मुस्तकिल अमन का बायस बनेगी। गजा पर इसराइल के हमले जंगी जरायम के मुतरादिफ हैं, गजा में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। वाज रहे कि कतर ने इसराइल और हमास के दरमियान जंग में आर्जी वक्फे का अलामिया जारी करते हुए कहा है कि गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फा किया जाएगा। जंग में वक्फे का आगाज 24 घंटे के अंदर होगा और दर्जनों फलस्तीनी इसराइली कैदियों का तबादला होगा। मुआहदे के तहत हमास अपने पहले मरहले में तकरीबन 50 इसराइली खवातीन और बच्चों को रिहा करेगी, जिसके बदले में इसराइल तकरीबन 150 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें ज्यादातर खवातीन और नाबालिग शामिल हैं। इसराइली हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि गजा में हमास की कैद में मौजूद 50 अफराद की रिहाई के बदले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और आर्जी जंगबंदी के मुआहदे की मंजूरी दे दी गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल और हमास के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी ना हुई तो जंग फैलने का खतरा है, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में तोसी न की गई तो गजा में जारी जंग पूरे मशरक़ वस्ता तक फैल जाएगी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर का ये बयान इसराइल और हमास के दरमियान चार रोज़ा जंगबंदी के मुआहदे के बाद सामने आया। ईरानी अदारों से मुंसलिक एक खबरसा इदारे नूर के मुताबिक हुसैन अमीर इन दिनों खित्ते में एक सिरल मुल्की दौरे की तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा सिहूनी रजीम के गजा पर बदतरीन हमलों और जंगबंदी के तनाजर में होगा। वाज़ रहे तुर्किया के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने भी इसराइल हमास जंगबंदी का खैर मकदम किया है। गुज़िश्ता रोज हमास और इसराइल के दरमियान कतर की साजिश में आर्जी जंगबंदी का मुआहदा तय पाया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन में जंग के खात्मे पर गौर कर रहे हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में जंग बंदी करने के इरादे का इजहार कर दिया। G20 रहनुमाओं से वर्चुअल खिताब करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में जंग के खात्मे पर गौर किया जा रहा है, यूक्रेन से अमन कायम करने के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं, जंग से कुछ हासिल नहीं होता। वाज रहे कि फरवरी 2022 में शुरू होने वाली जंग के बाद रूस और यूक्रेन में दर्जनों अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं, जबकि अमरीका यूक्रेन को भरपूर माली और फौजी इमदाद फराहम कर रहा है। रवां साल यूक्रेन के लिए $250 मिलियन के पैकेज का ऐलान किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने गजा में जंगबंदी पर अमल दरामद कल तक मौखर कर दिया। इसराइल ने गजा में जंगबंदी पर अमल दरामद कल तक मौखर कर दिया है, जिसके बाद जंग में वक्फा और यरगमालियों की रिहाई कल से शुरू होगी। इसराइली अखबार का कहना है कि हमास की जानिब से अब तक इन कैदियों की फहरिस्त मुहैया नहीं की गई जिन्हें रिहा किया जाना है। कैदियों की रिहाई का हतमी मुआहदा होने तक सीज फायर नहीं होगा। इसराइल के कौमी सलामती के मशीर ने कहा है कि सीज फायर पर अमल तयशुदा मनसूबे के तहत आगे बढ़ेगा। यरगमालियों का पहला ग्रुप जुमे को रिहा किया जाएगा। जुमे के रोज से पहले किसी कैदी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसराइली मशीर बराए कौमी सलामती ने मजीद कहा है कि हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों की रिहाई का आगाज असल मुआहदे के मुताबिक होगा। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जुमे के रोज तक इसराइल की जानिब से हमले जारी रहेंगे। इससे पहले इसराइली अहदेदार ने कहा कि चार रोज़ा आर्जी जंगबंदी का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 1 बजे से होगा। आर्जी जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइल से 150 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास की जानिब से 50 यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। हमास और इसराइल के दरमियान तय पाने वाले इस मुआहदे में गजा के लिए इंसानी इमदाद और ईंधन की फराहमी की शर्त भी शामिल है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अल-कुदस ब्रिगेड्स का 11 इसराइली फौजी गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा। फलस्तीनी तंजीम तहरीक इस्लामी जहाद के अस्करी विंग अल-कुदस ब्रिगेड ने 11 इसराइली फौजी गाड़ियों को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा किया है। अल-कुदस ब्रिगेड्स की जानिब से कहा गया है कि शुमाली गजा के 5 इलाकों में आने वाली इसराइली फौजी गाड़ियों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। अल-कुदस ब्रिगेड्स के तर्जुमान ने बताया है कि अल-जैतून, दिल अल-हवा, अल-शाती, शेख रजवान, जोहर अल-देख में इसराइली फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। याद रहे कि 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली बमबारी में 15,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 33,000 से ज़ायद लोग जख्मी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। एलन मस्क ने एक्स की कमाई गजा और इसराइल के अस्पतालों को देने का ऐलान कर दिया। समाजी रबतों की वेबसाइट एक्स के मालिक और अरबपति एलन मस्क ने ऐलान किया है कि एक्स जंगजदा गजा की पट्टी और इसराइल के अस्पतालों में इश्तहारात और सबकदोशी से हासिल होने वाली आमदनी अतिया करेगा। एलन मस्क ने एक्स पोस्ट में लिखा है, एक्स कॉरपोरेशन गजा में जंग से मुतलिक इश्तहारात और सब्सक्रिप्शन से हासिल होने वाली तमाम आमदनी इसराइल के अस्पतालों और गजा में रेड क्रॉस को अतिया करेगी। एक सारिफ ने एलन मस्क के अतिया देने के फैसले की तारीफ की, लेकिन इनसे यह भी पूछा कि वो इस बात को कैसे यकीनी बनाएंगे कि ये रकम हमास तक ना पहुंचे। एलन मस्क ने जवाब देते हुए कहा कि इस बात को यकीनी बनाएंगे, ये फंड्स रेड क्रॉस के जरिए जाएंगे और हम इसको ट्रैक करेंगे। हमें नस्ल, मजहब या किसी और चीज़ से कतई नज़र बेगुनाहों का ख्याल रखना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने आज़ाद खालिस्तान के हामी गुरुप्रतोनत सिंह के कत्ल की साजिश नाकाम बना दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि अमरीकी हुकाम ने साजिश में भारतीय हुकूमत के मुलव्वज़ होने के खदशात पर भारत को वार्निंग भी जारी की थी। भारत सिख रहनुमा को कत्ल करना चाहता था, इसकी तस्दीक की गई है। भारत ने अमरीकी वार्निंग पर ही गुरुप्रतोनत सिंह पन्नू को मारने का मनसूबा ख़त्म किया। सफारती इंतबाह के बाद अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स ने एक शख्स पर फर्द जुर्म भी आयन की थी। गुरुप्रतोनत सिंह पन्नू खालिस्तान रेफरेंडम के लिए आलमी सतह पर मुहिम चला रहे हैं। खालिस्तान रेफरेंडम के लिए 13,00,000 सिख हिस्सा ले चुके हैं। कनाडा में हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के बाद अमरीका को इसके चंद इतिहादियों ने साजिश से आगाह किया। गुरुप्रतोनत सिंह पन्नू ने कहा कि अमरीकी शहरी की जान को खतरा अमरीका की खुदमुख्तारी के लिए चैलेंज है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल करवाया जाए सऊदी अरब। सऊदी वजीर खारजा ने मुतालबा करते हुए कहा है कि क्याम अमन के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल करवाया जाए। सऊदी और अमरीकी वजरा खारजा के दरमियान टेलीफोनिक रबता हुआ। दोनों वजरा खारजा ने गजा में जंगबंदी के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गजा में खतरनाक अस्करी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और गजा से फलस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा है कि गजा में इंसानी हमदर्दी के तहत जंग बंदी की जाए और गजा में जख्मियों की तिब्बी इमदाद को फिलफौर बहाल किया जाए। शहजादा फैसल बिन फरहान ने मुतालबा किया है कि आलमी बरदारी इसराइल के गैर कानूनी इकदाम रुकवाने में करदार अदा करें और क़याम अमन के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल करवाया जाए। उन्होंने कहा कि आलमी बरदारी गजा में जंग बंदी के लिए अपना अखलाकी करदार अदा करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साइफ पर केस, जेल ट्रायल खत्म। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबू अल हसनात ने अडयाला जेल के बजाय इस्लामाबाद जुडिशियल कम्प्लेक्स में साइफ पर केस की समाअत की। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी खालिद यूसुफ अदालत के सामने पेश हुए। जज अबू अल हसनात ने इस्तफसार किया कि हाईकोर्ट के फैसले की कापी कहाँ है, जिस पर अदालती अमले ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की कापी अदालत को फराहम कर दी। जज अबू अल हसनात ने कहा कि साइफर केस का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। बाद अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवम्बर को अदालत पेश करने का हुक्म दिया।
वाज़ह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर केस में जेल ट्रायल का अदम करार दिए जाने के बाद जुडिशल कम्प्लेक्स में केस की ये पहली समाअत थी। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।